नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र समेत केंद्रीय विद्यालय और संघ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में देश के सभी राज्यों के शिक्षक शामिल हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। शिक्षकों को न तो कोई व्यवस्था और सुविधाएं मिली है और न ही प्रमोशन हो रहा है। अगर ट्रांसफर होता है तो शिक्षकों को 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि उनको गैर शिक्षा कर्मियों को जो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर और प्रोग्रेशन स्कीम का फायदा दिया जाता है वो उनको भी मिले और इस स्कीम के तहत किसी कर्मचारी की सेवा 12 साल पूरा होने के बाद बढ़ाया जाता है। साथ ही उनकी मांग है कि शिक्षकों को स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। जो शिक्षक केंद्रीय विद्यालय में काफी समय से सेवा दे रहे हैं उनका प्रमोशन किया जाए और मांगे नहीं मानी जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे जहां पर सैकड़ों की तादाद में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। इनकी मांगे हैं कि जो भी केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जाए और अगर यहां से जो ट्रांसफर किया जाता है तो जो शिक्षकों का ट्रांसफर होता है वो 1000 किलोमीटर के आसपास किया जाता है। तो क्या मांगे हैं हम इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी हमारे साथ में, अध्यक्ष जी क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह की जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या फिर प्रमोशन की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? ये एक्चुअली क्या है, वेकेशन की बात हो और ट्रांसफर्स की बात हो, ये हर साल का प्रक्रिया है। हर साल स्टिपुलेटेड टाइम पे होता रहता है। पिछले लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से ट्रांसफर्स नहीं हो पाया। इस बार लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई के एग्जाम्स जो कुछ भी पोस्टपोन हो गया, हमारा वेकेशन भी पोस्टपोन नहीं हुआ था। और ये वेकेशन जो टीचर को क्या होता है, रिजर्वेट होने के लिए होता है, जो अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए होते हैं। ये वेकेशन का टाइम और एग्जाम का टाइम पे रहते तो सब पूरा टीचर्स को स्कूल में रहने के लिए बोला, ताकि टीचर्स को वेकेशन नहीं मिल रहा है, एक था। और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जैसा सीजीएचएस हो जो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, कुछ केवीएस को केंद्रीय विद्यालय को मिल रहा है, कुछ केंद्रीय विद्यालय को नहीं मिल, टीचर्स को नहीं मिल रहा था। क्या मांगे हैं आप लोग? वही सब लोगों को, टीचर्स को जो हेल्थ इश्यू है, हेल्थ तो गवर्नमेंट का जो मेन दम होता है, सब टीचर्स को जैसा सब बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है ऐसा सीजीएचएस फैसिलिटी सब पूरा टीचर्स को दीजिए। और एमएससीपी एक है जो हर 10 साल को 20 साल को 30 साल को जो कुछ भी आता है, एमएससीपी हम अपने ही संस्था में नॉन टीचिंग कैडर को दे रहा है, टीचिंग कैडर को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं जो ये केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं इनके आक्रोश है इनके अंदर, इनका कहना है साफ तौर पे कि जो मूलभूत जो सुविधाएं दी जाती हैं वो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को दी जाए और सबसे बड़ी बात है जो प्रमोशन की बात है तो जो प्रमोशन की जो डेट होती है उसमें केंद्रीय विद्यालय के भी शिक्षकों को चुना जाए। क्या मैं गौरव के साथ दिल्ली